12 साल की सृष्टि और उसका 13 साल का भाई मोहित घर के लॉन में खेल रहे थे। वहीं टी टेबल पर बैठे हुए अंगद और कुंचन चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। अंगद, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? किस सोच में डूबे हो? क्या बताऊँ, मुझे प्रमोशन की खुशी तो बहुत है, लेकिन इस प्यारे से घर को छोड़कर जाने का दुख भी हो रहा है। इसीलिए समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे रिएक्ट करूँ। ये घर तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन प्रमोशन के साथ आपकी पोस्टिंग भी हो रही है, तो हम लोगों को इस घर को छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ दिन तो हर कोई याद आता है, पर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। सभी लोग शाम के 5 बजे अपनी कार से घर से निकले और 4 घंटे के बाद सरूरपुर पहुंचे। अंगद, अब वो घर कितनी दूर है? सरूरपुर तो आ गया है ना? हाँ, कॉल करता हूँ अश्विन को। हेलो अश्विन, यार उस घर का एड्रेस मुझे भेज दो ना, हम सरूरपुर तो पहुंच चुके हैं। अंगद, जिस घर में कंपनी की तरफ से तुम्हारे रहने का इंतजाम हुआ था ना, उस घर में पानी की प्रॉब्लम हो गई है। उसे ठीक करने में अभी 2 हफ्ते का टाइम और लगेगा, इसीलिए मैं तुम्हें एक नया एड्रेस भेज रहा हूँ। लोकेशन थोड़ी सुनसान जगह पर है, लेकिन घर बहुत बढ़िया है, तुम लोग बस वहाँ 2 हफ्ते के लिए एडजस्ट कर लो। ठीक है यार, भेज दो, अब कर भी क्या सकते हैं। अश्विन ने अंगद को एक एड्रेस भेजा और कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से घर के सामने जाकर रुक गई। ओह माय गॉड, ये घर तो किसी हवेली के जैसा लग रहा है, कितना खूबसूरत है ये। हाँ पापा, ये तो हमारे पुराने वाले घर से भी बहुत अच्छा है। घर के अंदर जाने के बाद इन सभी को घर बहुत पसंद आया। इन्होंने डिनर किया और फिर अपने कमरे में चले गए। रात के तकरीबन 10 बजे सृष्टि मोबाइल चला रही थी और मोहित उसके पास ही सोया हुआ था, तभी सृष्टि का मोबाइल रिंग करने लगा। अरे, ये तो सुशांत का कॉल है। उसने कॉल उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। हाँ सुशांत, कैसे हो तुम? यार तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरी जान, थोड़ा तो सब्र रखो, मुझे क्या पता था प्रमोशन के साथ पापा की पोस्टिंग भी हो जाएगी। सृष्टि का कमरा 3री मंजिल पर था। वो सुशांत से बात करती हुई घर के पीछे की तरफ बनी हुई बालकनी में चली गई। वहाँ उसे एक पुराना घर नजर आया। सुशांत, मैं तुमसे अभी बात करती हूँ। वाह, कितनी बड़ी कोठी है, लेकिन देखने में लग रहा है कि यहाँ कोई नहीं रहता होगा। कुछ देर बाद सृष्टि ने एक औरत को देखा जिसने सफेद कलर की सलवार कमीज पहन रखी थी। वो अपने हाथ में एक थाली लिए हुए उसके घर के गेट से दाखिल हुई। ये कौन है? उस औरत के हाथ में एक थाली थी जिसके अंदर एक दिया, एक इत्र की छोटी बोतल, कुछ गुलाब के फूल और थोड़ी सी मीठी खीर रखी हुई थी। उसने घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार इधर उधर देखा और फिर उस घर के अंदर घुस गई। मिल गई एक मिस्ट्री, कल जाकर देखूंगी कि इस घर के अंदर क्या है। तभी उसे एक चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर वो डर गई। कुछ देर बाद वही औरत घर से बाहर निकली और वापस उसी रास्ते पर चली गई जहां से वो आई थी। अगले दिन रात को डिनर करने के बाद सृष्टि ने पापा से कहा, पापा मैं थोड़ा टहल कर आती हूँ, पूरा दिन घर के अंदर ही निकल गया, खाना भी हजम हो जाएगा और टहल कर मुझे थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ठीक है, लेकिन अपने साथ मोहित को लेकर जाओ और घर से दूर मत जाना। सृष्टि ने मोहित को साथ ले लिया और घर से निकल गई। दीदी चलो सामने वाले पार्क में चलते हैं, बहुत बड़ा पार्क है ना? हाँ है तो सही, लेकिन मेरा मन तो उस कोठी के अंदर जाने का कर रहा है जो हमारे घर के पीछे है। ओहो दीदी, आप यहाँ भी बस मिस्ट्री ढूंढने में लगी हो है ना? अरे ये सब मुझे पसंद है, चल तू भी मेरे साथ चल। वो दोनों अब दबे पांव उस घर के पास पहुँचे। उन्होंने दरवाजे पर ताले की जगह हरे और काले रंग के धागों को बंधा देखा। इन्हें छूना मत, ये जरूर कोई रक्षा सूत्र है,
मतलब अभिमंत्रित धागे। ये अभिमंत्रित धागा क्या होता है? अरे वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले कोई बड़ी सी खिड़की ढूंढते हैं। अब एक बड़ी सी खिड़की के रास्ते ये उस कोठी के अंदर चले गए। उनके अंदर कदम रखते ही अजीब तरह से तेज हवाएं चलने लगी और बिल्लियों की रोने की आवाजें आने लगी। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं जाना, चलो घर चलते हैं। अरे इतना क्यों डर रहा है, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू डर मत, चल आगे चलते हैं। वो दोनों अब आगे बढ़ने लगे। इनके कदमों की आवाजें पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। कॉरिडोर से होते हुए ये एक दरवाजे के सामने जाकर रुके। इस दरवाजे की दोनों किवाड़ों पर एक एक पर्चा लगा था जिन पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। दीदी ये क्या लिखा है? ओफो, मुझे अरबी नहीं आती। ये कहते हुए सृष्टि ने दरवाजा खोल दिया। अंदर कदम रखते ही उन्हें अपने सामने एक ताबूत रखा नजर आया। ये ताबूत? दीदी मुझे अब डर लग रहा है, आप बस यहाँ से चलिए, बाद में अकेले आ जाइएगा। सृष्टि कुछ सोचती, इससे पहले ही इनको किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। मोहित चलो कहीं छिप जाते हैं, कोई आ रहा है। वो दोनों एक कोने में छिप गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजा खुला और वही सफेद सलवार कमीज वाली औरत हाथ में थाली लिए अंदर आई। वो उस ताबूत के पास आकर रुक गई। उसने थाली जमीन पर रखी, उसने उसके अंदर से इत्र की शीशी उठाई और फिर उस ताबूत पर छिड़क दिया। कुछ देर बाद वही औरत कमरे से बाहर निकल गई। सृष्टि और मोहित उस ताबूत को देख रहे थे, तभी एक भयानक गर्दन ताबूत से निकलते हुए सृष्टि और मोहित को देखने लगी। वो एक जिन था जो पूरी तरह ताबूत से बाहर निकल आया था। सर पर दो सिंग, लाल शरीर, आंखें नीली चमकती हुई और पंजों में तेज खूंखार नाखून। ये दोनों वहां से दरवाजे की तरफ भागे। मोहित तो कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उस जिन ने पीछे से सृष्टि के पैर पकड़ लिए। मोहित इतना डरा हुआ था कि उसने पीछे पलट कर देखा ही नहीं, वो अपने घर के कमरे के अंदर जाकर ही रुका। सुबह होने पर जब सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर आए तो उन्होंने सृष्टि का एक नया रूप देखा। उसने सलवार कमीज पहन रखी थी। सृष्टि ये क्या पहना है तुमने? तुम्हें सलवार कमीज कब से पसंद आने लगी? अम्मी अब से हम इसी तरह का पहनावा इख्तियार करेंगे, आप इसकी आदत डाल लें तो बेहतर होगा। ये कहकर वो नाश्ता करने में लग गई और सभी को उसकी ये बात थोड़ी अजीब लगी। वो खाती जा रही थी और टेबल पर से खाने की चीजें खत्म होती जा रही थी। अम्मी कल से खाना थोड़ा ज्यादा बनाइएगा, हम तो अभी भी भूखे ही रह गए। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे से अजीब तरह की आवाजें आने लगी। सुबह से शाम तक उसने किसी से कोई बात नहीं की। ठीक 8 बजे वो डिनर करने के लिए टेबल पर आई। अम्मी ये सब क्या बना रखा है आपने? हम भला ये चीजें कैसे खा सकते हैं? ये क्या अम्मी अम्मी लगा रखा है? और ये तुम्हारी मन पसंद मटर पनीर की सब्जी है, तुम इसे नहीं खाओगी? हम अभी आ रहे हैं। ये कहकर वो घर से निकल गई। ये कहाँ जा रही है, क्या हो गया इसको, मैं भी इसके पीछे जाता हूँ। अंगद उसके पीछे चल दिया, लेकिन सृष्टि मानो नजरों से ओझल हो गई थी। वो एक होटल पहुंची। बताइए मैम क्या खाएंगी आप? एक डिश मटन कोरमा और 10 तंदूरी रोटी ले आइए। ये सुनकर वेटर उसको हैरानी से घूरते हुए बोला, आप 10 रोटियां खा लेंगी? आप जाते हैं या हम किसी और मुसाफिर खाने में जाएं? ये सुनकर वेटर वहां से चला गया और उसका ऑर्डर लेकर आया। सृष्टि ने खाना शुरू किया तो आसपास बैठे सभी लोग उसे अजीब निगाहों से देखने लगे और सामने बैठा हुआ एक मनचला लड़का भी उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। सुनिए जरा 5 रोटियां और ले आइए।
वेटर ने उसे 5 रोटियां और लाकर दी। कभी मांस न खाने वाली सृष्टि आज मटन कोरमा और 15 रोटियां खा चुकी थी। उसके बाद वो वहां से निकल गई। वो मंजिला लड़का कुछ ही कदमों के फासलों से उसका पीछा कर रहा था। जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो वो उसके करीब गया और उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या बदतमीजी है, एक अकेली लड़की को इस तरह सरेआम छूने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? अरे मेरी जान, गुस्सा क्यों करती हो? अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम एक शरीफ लड़की होकर रात में अकेली कहाँ घूमती फिर रही हो तो तुम क्या कहोगी? आप एक गैर मर्द हैं। हमें छूकर आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब आपको इसका बुरा हर्जाना भरना पड़ेगा। मेरी जान, हम तो आपके लिए मरने को भी तैयार हो जाएंगे, एक बार बोलो तो सही। तभी सृष्टि की आंखें लाल लाल चमकने लगी। उसके पैर इतने लंबे हो गए कि वो उस लड़के से बहुत ऊंची दिखने लगी। उसका कद तकरीबन 10 फीट हो गया और वो लड़का फटी आंखों से ऊपर गर्दन उठाकर उसके चेहरे को देख रहा था। भूत, भूत, भूत! ये कहते हुए वो भागना चाहता था, लेकिन तभी सृष्टि ने उसकी गर्दन पकड़ ली और एक ही झटके में उसके शरीर से उसके गर्दन को अलग कर दिया। सृष्टि उसका कटा सर अपने हाथों में पकड़े हुए आगे बढ़ने लगी। उसकी गर्दन से खून टपक कर नीचे गिर रहा था, जिसकी लकीर बनाती हुई वो उस लाश की पहुंच से दूर निकल गई। ये कहानी मननगढ़ की है। मननगढ़ के 3 रास्तों को चुड़ैल के 3 रास्ते बोला जाता है, क्योंकि यहाँ सूरज ढलते ही चुड़ैल तांडव किया करती थी। सूरज ढलने के बाद अगर इस 3 रास्ते पर कोई दिखाई दिया तो चुड़ैल उसे घसीट घसीट कर मार डालती। एक बार की बात है, दिनकर का पोता सूरज गांव आया था। सूरज, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना। हाँ दादाजी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो गुम हो जाऊंगा। इस गांव में छोटे बच्चे नहीं, बाकी बड़े लोग गुम हो जाते हैं। पिछले हफ्ते तेरे रवि चाचा गायब हो गए थे चुड़ैल के 3 रास्ते से। चुड़ैल का 3 रास्ता? हाँ, गांव के बाहर जो 3 रास्ता है वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो सूरज ढलने के बाद वहाँ तांडव कर रही है। तांडव लोगों को दौड़ाती है, घसीटती है और फिर उनकी लाश 3 रास्ते पर छोड़ देती है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 3 रास्ते से जिंदा लौट कर आया हो। बाप रे! अब तो उस चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ गया है कि सूरज ढलने के बाद कोई अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता। तू समझदार है, शाम होने से पहले घर लौट आना। ठीक है दादाजी, मैं लौट आऊंगा। सारा दिन सूरज गांव घूमता रहा। वो उस 3 रास्ते पे भी गया जहां उसे अजीब महसूस होने लगा, पर सूरज ढलने से पहले बाकी गांव वालों की तरह वो भी घर लौट आया। अगला एक हफ्ता सूरज ठीक समय पर घर लौटाता था। आज सूरज शहर जाने वाला था। तेरी बस शाम 5:30 बजे की है, ध्यान से बस पकड़ लेना और अगर बस छूट जाए तो घर वापस लौट आना। जी दादाजी। लगभग 5 बजे सूरज दादाजी के घर से निकला। रास्ते में उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया। उसे पैर बाहर निकालने में काफी समय चला गया और तब तक उसकी बस चली गई थी। जब सूरज बस स्टैंड पे पहुंचा तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी। क्या बस चली गई? नहीं, अभी तक लगता है बस लेट है। फिर ठीक है, मैंने तो सोचा था कि मैंने बस मिस कर दी है। तुम इस गांव के नहीं लगते, शहर से आए हो? हाँ, ये मेरे दादाजी का गांव है, कुछ दिन हुए उनके पास यहाँ मैं रहने आया हूँ। अच्छा है, तुमने चुड़ैल के बारे में नहीं सुना क्या? सुना तो है कि सूरज ढलते ही वो इस 3 रास्ते में आ जाती है और सभी लोगों को मार देती है, और वो भी तड़पा तड़पा के मारती है उन्हें। हाँ, मुझे तो चुड़ैल की पूरी कहानी पता है। अच्छा, तो बताओ मुझे चुड़ैल कौन है? काफी साल पहले एक लड़की थी राधा। राधा गांव के बाहर काम करने जाया करती थी। उसे रोज आते जाते देर हो जाती थी। एक दिन कुछ लुटेरों ने अकेली राधा को इस 3 रास्ते पे देख लिया और उसके साथ
बहुत बुरा किया। राधा ने खुद अपनी जान दे दी और तब से राधा चुड़ैल बन गई। ये सब तो मैं समझ गया, लेकिन वो भोले भाले गांव वालों को क्यों मारती है? वो मार रही है ताकि गांव वाले समझ सके कि इस तीन रास्ते पे कोई अकेला ना आए। वो चेतावनी दे रही है। चुड़ैल चाहती है कि इस तीन रास्ते पे हमेशा लोग रहे ताकि किसी और राधा के साथ ऐसा हादसा ना हो सके। ये सब तुम्हें कैसे पता? सूरज के ये पूछते ही उस लड़की की मुस्कान बदल गई। वो हंसने लगी क्योंकि मैं ही वो चुड़ैल हूँ। सूरज ढल गया था, लड़की चुड़ैल में बदल गई। चुड़ैल को देख सूरज डर गया और गांव की ओर भागने लगा। चुड़ैल उसके पीछे पीछे भाग रही थी। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। सूरज भागते भागते अपने दादाजी के घर गया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। दादाजी दरवाजा खोलिए, मुझे बचाइए। अपने पोते की आवाज सुनकर दिनकर ने दरवाजा खोल दिया। सूरज अपने दादाजी को बता ही रहा था कि वो चुड़ैल दरवाजे पे आई और सूरज को घसीटते हुए ले जाने लगी। राधा छोड़ दो मेरे पोते को, मैं तुझसे भीख मांग रहा हूँ। तेरे तीन रास्ते में मैं मंदिर बनवाऊंगा और शाम होते ही वहाँ भजन करता हुआ बैठा रहूंगा जिंदगी भर, ये वादा रहा मेरा। पर छोड़ दो उसे। पक्का करोगे? हाँ मैं वादा करता हूँ। चुड़ैल ने सूरज को छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। अगले दिन दिनकर अकेला तीन रास्ते पे गया। वहाँ देवी की मूर्ति रखी और जोर जोर से भजन गाने लगा। शाम होते ही चुड़ैल आई पर दिनकर को वहाँ बैठा देखकर मुस्कुराकर गायब हो गई। उस दिन के बाद रोज दिनकर वहाँ बैठा रहता था। धीरे धीरे कई और लोगों ने दिनकर का साथ दिया। कुछ ही समय में उस तीन रास्ते वाले मंदिर में भक्तों की भीड़ रहने लगी। अब वो सुनसान रास्ता एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में बदल गया था। मंदिर बनने के बाद किसी ने तीन रास्तों वाली चुड़ैल को नहीं देखा। इस बात को अब 40 साल बीत गए हैं। सूरज बूढ़ा हो चुका है पर अभी भी जब वो चुड़ैल के बारे में सोचता है वो दहल जाता है। चुड़ैल के तीन रास्ता उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक हादसा था। केरल में रंगापुर नाम का एक गांव था जहां रामानुज लोहार का परिवार रहता था। 15 साल पहले जब रामानुज की बेटी बहुत छोटी थी तभी रामानुज की पत्नी गुजर गई थी। रामानुज घर बाहर का काम और बेटी को अकेले नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए मजबूरी में उसने दूसरा विवाह किया। बाद में रामानुज की दूसरी पत्नी से उसे एक बेटा भी हुआ। रामानुज की बेटी मीनाक्षी अपनी सौतेली माँ को पसंद नहीं करती थी। नकली माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है बेटी, लेकिन पुलिया के पास। हाँ मुझे सब पता है, अब अपना लेक्चर मत शुरू करो। पुरानी पुलिया के पास एक गुड़िया खड़ी होती है जो जवान लड़कियों को सफेद रंग के मीठे बताशे बांटती है। मैं उसके बताशे ना खाऊं क्योंकि वो बुढ़िया नहीं चुड़ैल है, यही बकना चाहती हो ना तुम? हाँ बेटी, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रही थी। तुम अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा की चिंता करो, मेरे लिए मेरे पापा हैं। मीनाक्षी ने जोर से दरवाजा बंद किया और अपने स्कूल चली गई। रामानुज मीनाक्षी के ऐसे व्यवहार से परेशान था। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह मीनाक्षी और लक्ष्मी प्यार से रहे, लेकिन वो मीनाक्षी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं ला पाया। मीनाक्षी घर में गुस्से में रहती थी लेकिन घर से बाहर निकलते ही उसका व्यवहार सामान्य हो जाता। अरे ओ सुमन, बड़ी तेजी से भागी जा रही है, रुको मैं भी आ रही हूँ, जल्दी आओ, मैं भी लेट हूँ और तुम भी लेट हो, प्रिंसिपल मैम डांटेंगी। प्रिंसिपल मैम की ऐसी की तैसी, एक थप्पड़ लगाऊंगी उनको। स्कूल से लौटते समय भी मीनाक्षी सुमन के साथ ही लौटा करती थी। तुझे पता है पल्ले टोला वाली सोनम ने कल अपने भाई की गर्दन काट दी। गांव के लोग कह रहे थे कि उसके अंदर डायन घुस गई है। शांति माँ से बता रही थी कि सोनम ने पुरानी पुलिया के पास खड़ी होने वाली बुढ़िया के दिए मीठे बताशे खा लिए थे। उस बुढ़िया को लोग क्यों इतना बदनाम करते हैं? मेरी एक बार उस बुढ़िया से बात हुई थी, बहुत प्यार से बोलती है। कभी जाना भी मत उसके पास, उसकी मीठी बातों के पीछे जरूर कुछ कालापन छुपा हुआ है। एक दिन मीनाक्षी जब स्कूल से घर लौटी तो घर पर कोई नहीं था, खाना भी बना हुआ नहीं था। अब ये नकली अम्मा अपने पूत के साथ कहाँ चली गई? मीनाक्षी ने गुस्से से अपना बस्ता फेंका और चीनी के डब्बे में पैसे ढूंढे, लेकिन उसमें कोई पैसा नहीं मिला। सारे पैसे भी लेकर चली गई है, काश मेरे अंदर भी डायन समा जाती तो इन दोनों अम्मा बेटों का काम तमाम कर देती। मीनाक्षी घर से निकलकर अपने पापा की दुकान की तरफ गई। मीनाक्षी के पापा मीनाक्षी से दुकान पर आने के लिए मना करते थे,
क्योंकि दुकान घर से बहुत दूर थी और रास्ते में पुरानी पुलिया पड़ती थी जहाँ बताशे बांटने वाली बुढ़िया खड़ी होती थी। मीनाक्षी जब पुलिया के पास से गुजर रही थी तो उसे वही बुढ़िया दिखाई। आओ बेटी मेरे पास आओ, मेरे मीठे बताशे खाकर जाओ। और बेटी आ जाओ मेरे पास आओ। मीनाक्षी को भूख लग रही थी और उसे मीठी चीजें पसंद थी। वो बुढ़िया के पास चली गई। अम्मा मेरे पास पैसे नहीं है, फ्री में खुलाओगी तो खा लूंगी। पैसे मैं किसी से नहीं मांगती, भूखे लोगों का पेट भरने में मुझे संतुष्टि मिलती है। तुम बहुत सुंदर हो, क्या नाम है तुम्हारा? बुढ़िया की मीठी बातें मीनाक्षी को भा गईं। वो अपने पापा की दुकान भूलकर बुढ़िया के साथ चल दी। बुढ़िया ने मीनाक्षी को आधे किलो बताशे खिला दिए और उसे अपनी कोठरी में बिठा दिया। बताशे खाने के बाद मीनाक्षी का सिर घूमने लगा। उसने देखा कि बुढ़िया का रूप बदल गया है और वो एक भयानक चुड़ैल बन गई है। डरो मत मीनाक्षी रानी, अब तुम पूरी तरह मेरे कब्जे में हो। मेरे बताशे खाकर तुम्हारे अंदर मेरे जैसी शैतानी शक्ति आ गई होगी। अब तुम कम से कम 3 सर काट के लेकर आओ, फिर अंत में मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। सम्मोहित हुई मीनाक्षी अपने घर पहुंची। उसकी माँ ने पूछा, मीनाक्षी कहाँ चली गई थी? पहले ये बताओ तुम कहाँ चली गई थी? सोनू की आज तबीयत बिगड़ गई थी, उसी को लेकर मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, अगर भूख लग रही हो तो खा लो। मुझे भूख नहीं है। मीनाक्षी अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। रात में जब सारे लोग सो गए तो मीनाक्षी उठी। उसने किचन में जाकर हंसिया उठाया और अपने सौतेले भाई की चारपाई के पास गई। मीनाक्षी अपने भाई की गर्दन काटने वाली थी लेकिन रामानुज की आंख खुल गई और वो चीख पड़ा, मीनाक्षी क्या कर रही हो? मीनाक्षी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में जाकर दोबारा सो गई। कुछ घंटे बाद वो फिर उठी और इस बार हंसिया लेकर अपनी माँ की चारपाई के पास गई। मीनाक्षी लक्ष्मी की गर्दन उड़ाने वाली थी लेकिन रामानुज बीच में कूद पड़ा और उसका एक हाथ कटकर गिर गया। रामानुज ने अपने दूसरे हाथ से मीनाक्षी को धक्का दिया और मीनाक्षी कुछ दूर जाकर गिर पड़ी। लक्ष्मी और सोनू जाग गए, वे रामानुज को लेकर बाहर भाग गए। गाँव में शिवनाथ नाम का एक वैद्य रहता था जो साधारण चिकित्सा तो जानता था, साथ में तंत्र मंत्र भी जानता था। लक्ष्मी और सोनू रामानुज को लेकर शिवनाथ के पास पहुँचे। पहले तो शिवनाथ ने रामानुज की मरहम पट्टी की और फिर भस्म लेकर उसके घर पहुँचा। मीनाक्षी अपने घर पर लगे लक्ष्मी सोनू और रामानुज के फोटो पर हंसिया मार रही थी। तुम्हारी बेटी तुम लोगों के सिर काटना चाहती है, लगता है उसने पुलिया वाली चुड़ैल के बतासे खा लिए हैं। तो अब क्या करें, हम अपना सिर तो नहीं कटवा सकते। जब तक वो तुम तीनों के सिर नहीं काट लेगी तब तक शांत नहीं होगी। मैं तुम तीनों के जैसे मिट्टी के पुतले तैयार कर देता हूँ और उनके अंदर लाल रंग भर देता हूँ, शायद इससे काम बन जाए। शिवनाथ ने 3 पुतले तैयार कर दिए जो बिल्कुल रामानुज लक्ष्मी और सोनू जैसे दिख रहे थे। फिर वो उन पुतलों को लेकर मीनाक्षी के पास पहुँचा। मीनाक्षी मैं तेरे तीनों दुश्मनों को ले आया हूँ, ले इनके सिर काट ले और मुक्त हो जा। मीनाक्षी ने जोर से पुतलों में हंसिया मारा और तीनों के सिर अलग कर दिए। ऐसा करते ही वो बेहोश हो गई। शिवनाथ ने अपनी भस्म मीनाक्षी के माथे पर लगाई, तब मीनाक्षी को होश आया। मीनाक्षी को उस बुढ़िया के पास जाने नहीं देना है, अगर ये 3 महीने उसके पास नहीं गई तो फिर उसका प्रभाव मीनाक्षी के ऊपर से अपने आप खत्म हो जाएगा, इसीलिए मीनाक्षी पर तुम्हें कड़ी नजर रखनी होगी। ऐसा कहकर शिवनाथ चला गया।